बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने दो युवक को गला रेतकर हत्या कर दिया। इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जाता है कि दोनों युवक की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई। परिजनों का कहना है कि घर से सरस्वती पूजा के प्रसाद खाने के बहाने प्रेमिका के परिजनों ने दोनों युवक को अपने घर बुलाया था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना बलिया थाना क्षेत्र जानीपुर के समीप की है। वहीं हत्या से नाराज दोनों युवक के परिजनों ने थाने का घेराव कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस लोगों को समझाने में जुटी हुई है। मृतकों की पहचान बलिया थाना क्षेत्र के नूरजमानपुर निवासी बिक्की कुमार और छोटू कुमार के रूप में की गई। NH 31 के किनारे जानीपुर ढाला के समीप दोनों युवक की लाश दोपहर बगीचे से बरामद किया गया। दोनों युवक की गला रेतकर हत्या की गई है। SP आकाश कुमार ने बताया कि प्रेम प्रसंग में दोनों की हत्या की गई है। मामले की छानबीन भी की जा रही है, इसके बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा। बताया जाता है कि करीब 6 महीना पहले बिक्की कुमार ने बलिया निवासी अपनी प्रेमिका के साथ प्रेम विवाह किया था। शादी में उसके दोस्त छोटू कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। इसके बाद रविवार को बगीचे में दोनों दोस्त की लाश बरामद की गई, जिसके बाद दोनों परिवारों के साथ साथ इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल बलिया थाना के पुलिस परिजनों को समझाने बुझाने में जुटे हुए हैं। कुमार गया है ना हमारे गांव, दोस्त मैंने बाजार मुजार मिला था, उसके बाद गया है ना प्रसाद वसाद खाया है ना, खाना वाना खा करके उसके बाद फिर जोर साथ में उसको लेकर के बैग में लिया घर से लेकर फिर जोर साथ में इधर आया है। विवाद तब दोस्ती आ रही है, वही दोनों बताएगा हाँ क्या विवाद है नहीं है, वही दोनों बताएगा। तो दोस्ती था ना, बोला कि चलिए मैंने पार्टी उटी होगा ना, पार्टी उटी चलेगा वहाँ पर, यही बोल के लेकर आया। सुमित जी, बलिया में दोहरी हत्याकांड हुआ है, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए यह घटना बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि जिस तरह से बलिया में आज दोहरी हत्याएं हुई है, यह मानिए तो बहुत ही निंदनीय घटना है। क्योंकि अपराधी का जो अपराध करने का सीमा है वो बहुत ही ज्यादा हो चुका है। अपराधी के दिल से एक डर का जो माहौल होता है वो निकल चुका है। तो हम यही मांग करते हैं हमारे बलिया प्रशासन से कि वो इस अपराधियों के बीच में जो डर एक निकला है, उस डर को पुनः स्थापित करे और जो भी अपराधी इस अपराध करने में शामिल हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचे। हत्या के उपरांत आप वहां पर पहुंचे, वहां का हालात देखा आपने, उनके परिजनों का क्या हाल है, प्रशासन की स्थिति कैसी रही? परिजन का जहां तक मैं बताऊं, परिजन की स्थिति बहुत ही गंभीर बना हुआ है, क्योंकि दोहरी हत्याएं हुई है नूरजमापुर में। अभी बिल्कुल ही गमगीन माहौल है और डर का भी एक माहौल बना हुआ है, क्योंकि दोहरी हत्याएं हुई है तो यह कहीं ना कहीं तो डर का माहौल, बहुत ही डर का माहौल बना हुआ है। प्रशासन की भागीदारी कैसी रही वहां पर फिलहाल? फिलहाल तो प्रशासन की भागीदारी बहुत अच्छी रही। जैसे सूचना मिला प्रशासन को तो वो वहां पर पहुंचे और छानबीन भी किए, और जहां तक आज का कॉपरेट जहां भी था तो प्रशासन का अच्छा था। लेकिन हम यही मांग करते हैं कि आगे जो भी कार्रवाई हो वो इतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आगे अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचे। उनके परिजन हैं, उनको सामाजिक तौर पर अभी सहायता की आवश्यकता है, यहाँ के जो समाज सेवी वगैरह हैं कुछ सहयोग करे, ऐसा नहीं लगता आपको? हाँ, गरीब लोग हैं बिल्कुल। वहाँ के मुखिया जी भी वहाँ घटना स्थल पर मौजूद थे, तो उन्होंने भी कहा कि हमसे जहाँ तक बनेगा हम सहयोग करेंगे, और हम लोग भी वहाँ जाएंगे और जहाँ तक होगा हम लोग भी उनका सहयोग करेंगे। बीटू न्यूज का परिवार भी उनके इस दुख के घड़ी में उनके साथ है। हम लोग बिल्कुल उनके साथ हैं इस दुख की घड़ी में, और बस हम यही आखिरी में मांग करते हैं बलिया प्रशासन से कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करें और उसको कड़ी से कड़ी सजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।